दोस्तों जबी भी कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो और प्राइसेस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रही हो देन से जो पहली कैंडल स्टिक है वो एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म हो जाती है विच कंफर्म्स द पॉजिटिव मोमेंटम इन जो दूसरी कैंडल स्टिक है उसकी फॉर्मेशन के दौरान बोल्स प्राइसेस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर हमें एक लॉन्ग अपर शेडो फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है जो कि हमें रिजेक्शन ऑफ द हायर प्राइसेस बताती है थर्ड और लास्ट कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन के दौरान भी हमें कुछ सिमिलर बिहेवियर देखने को मिलता है और इस बार भी हमें एक लॉन्ग अपर शेडो कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है और इस कैंडल स्टिक की जो बॉडी है वो पिछली बार से भी ज्यादा छोटी होती है अब इन तीन के बन जाने के बाद हमारा एडवांस ब्लॉक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है इज अ थ्री कैंडल बियरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आपको इस पैटर्न को ट्रेड करना है उसके लिए आपको एक फोर्थ कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है आप उस फोर्थ कन्फर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंटर करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉसेस है वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्लेस होंगे टाइम फ्रेम के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें धन्यवाद